आंटी जी आपकी घर पे आ चुकी हैं फुल शॉपिंग करने के बाद। Hey YouTube family, welcome to my YouTube channel. So it's fifth day of my vlog series. अभी बजे सुबह के 10:30 मैं 8:30 बजे मैं उठ गया था। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उठने के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत काम किया है, पहले कॉलेज का अपना सारे जितने भी मेरे प्रायर कमिटमेंट्स थे वो सब कंप्लीट करे, अपना सारा काम खत्म करा है, सारा फुल मेरा काम खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल मैं लगा हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। और आज आपकी प्रिया आंटी जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, वो भी सो रहे हैं और दादी और माँ जी और दीदी सब सो रहे हैं, समय सिर्फ मैं उठा हुआ। और मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ अपने ब्रेकफास्ट बनाने की। मैंने अब चॉपिंग के लिए मैं बैठा हूँ, प्याज काट रहा हूँ, टमाटर काट रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लूँ अपना, बिकॉज मुझे पता है आप लोग वेट करते हो मेरे व्लॉग का। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को पता है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट स्टिल जितने भी हैं वो लोग मेरे कंटेंट का वेट करते हैं। तो आप सब के लिए मैं ज़रूर अपना कंटेंट बनाऊँगा। और गाइस, अगर कुछ भी आपको कंटेंट ऐड कराना हो या फिर किसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जो भी आपका फीडबैक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। इससे मेरी पोस्ट भी बूस्ट होगी और साथ साथ मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि आगे मैं आप लोगों के लिए उसी तरीके से कंटेंट बना पाऊँ जिस तरीके से आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो फिलहाल मैं अपना काम करता हूँ, तब तक के लिए वैसे पता है, हाँ एक और बात, आज जो हमारा व्लॉग है ना, आज हमें कहीं बाहर नहीं जाना, तो मतलब हमें घूमना नहीं है कहीं पे भी, बाहर का कुछ भी नहीं होगा, आज फुल घरेलू व्लॉग होने वाला है। आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आए बाकी व्लॉग्स की तरह। तो देखते हैं, अभी फिलहाल मैं चॉपिंग करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। Supposed to do better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets. Hello. कल माँ जी, पता है मेरे गाइस ने तुझे बहुत मिस किया। Hello. कल तू ब्लॉग में नहीं आई, तुझे बहुत मिस किया लोगों ने। ठीक है, लोगों को बोल दे अब डेली आऊंगी पक्का। डेली आएगी ना? हाँ डेली आऊंगी। किसी मेरी किसी ऐसे जा रही हो तुम? हाँ। कहाँ जा रही हो? सोऊंगी। दादी कहाँ है? यारी रज्जो दादी ऊपर गई है, उनसे भी मिलवा दूँ सबको? मिलवा दे। हाँ जब आएंगी मेरे को आवाज लगा देना, ठीक है? बाय Bye. Self naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bread makeup, it's part of me. सो गाइज, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बेड पे क्यों पड़ा हुआ हूँ सुबह से, मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ व्लॉग में पड़ा हुआ, क्योंकि गाइज आज कुछ काम नहीं है मेरे पास। आज मैं सिर्फ अपना बेंच वॉच कर रहा हूँ या फिर अपना कॉलेज का काम कंप्लीट कर रहा हूँ या थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ। और घर में कोई है नहीं, दीदी ये थी वो भी कहीं बाहर चली गई अपने नोट्स के काम से, पापा जस्ट अभी ऑफिस से आए हैं वो अपने काम में लग गए, सिर्फ मैं घर में हूँ अकेला और पापा है, पापा अपना काम कर रहे हैं, तो आई एम काइंड ऑफ अकेला। आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू, आई एम गेटिंग बोर गाइस। अभी दीदी आने वाली है, मैंने उन्हें बोला आते समय मेरे लिए पाव भाजी लेके आए, बस वो एक बार लेके आते हैं मैं फिर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या होता है, मम्मी आती है फिर मैं आपको आपकी प्रिया आंटी जी, हमारी प्रिया माता जी से दोबारा मिलाता हूँ। अगर मेरी दादी लौट के आती है तो उनसे मिलाता हूँ, आपको सबसे मिलाऊँगा, पर एक बार आए तो सही। तब तक के लिए बाय बाय। So guys, after a long time, I'm going to do gym today, and I'm not going to any gym. I'm just doing a little bit exercise at our first floor, जहाँ पे हमारी चाची रहती है, वहाँ पे हमारे थोड़े से जिम इक्विपमेंट्स हैं, and I'm taking my laptop with me. Like मैं वहाँ पे गाने थोड़े से चला के थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज करूँगा और थोड़ा बहुत जिम वाला इक्विपमेंट से थोड़ी सी बॉडी को हम अपना देंगे थोड़ा सा प्रेशर। लेट्स सी हाउ इट गोज, फिलहाल तो लेट्स गो। You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I have done my workout completely. और अब से मैंने सोचा है कि मैं ना डेली वर्कआउट करूँगा, थोड़ा थोड़ा ही सही पर डेली करूँगा, ताकि मेरी बॉडी थोड़ी सी शेप में आ जाए। मेरा थोड़ा सा ना पेट बाहर निकल आया है, जो कि मुझे मेरी लास्ट शूट की पिक्चर्स में हल्का बहुत दिख रहा है एक दो पिक्चर्स में। सो आई थॉट कि अब से मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूँ, और जस्ट लुक एट इट गाइज, इट्स स्वेटिंग वेरी बैड, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, जबकि मैंने यहाँ पे गैलरी का दरवाज़ा भी खुला रखा था, पंखे भी चालू थे, बट स्टिल मतलब मैं इसका मतलब ये मैंने वर्कआउट अच्छे से किया है। आई एम नॉट डस्ट माई वर्कआउट लाइक माई पास दिस। सो गाइज, आई एम इन गैलरी नाउ, ये हमारी बालकनी है, मैं भी यहाँ पर हूँ, एंड आई एम थिंकिंग दैट मैं बाहर जाऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने सोच लिया है मैं बाहर जाऊँगा, मैं कुछ खाऊँगा अच्छा सा, बाहर खाऊँगा आज कुछ टेस्टी
या तो हम लोग किसी कैफे में जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट में देखते हैं कहाँ जाएंगे। अकेला जाऊँगा, अकेले जाएंगे, कुछ मस्त सा खा के आएंगे। आई टेक यू ऑल विद मी। नहीं तब तक के लिए लाइक मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, पसीने आ रहे हैं मुझे बेसिकली ना, तो परफ्यूम वफ्यूम ऐड ऑन करते हैं। हम कपड़े यही पहन के जा रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग गाइस। एक स्लिम फिट हमने लोवर पहना है और ऊपर में हमने टी शर्ट पहनी है ग्रीन कलर की। अभी फिलहाल हम वहाँ के लिए निकलते हैं जहाँ हम जाएंगे, वो रास्ते में डिसाइड करेंगे कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस आई एम इन बर्गर किंग। आई एम बर्गर किंग आया हूँ थोड़ा खाना खाने, और मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं जाऊँगा तो मैं बर्गर किंग आया हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर रहा बिकॉज पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो उसमें से कॉपी राइट आ सकता है। एंड लाइक डिनर काइंड ऑफ आई हैव टेकन अ बर्गर किंग फ्राइज एंड पेप्सी। Let me just eat and then catch you after a bit. I remember when we were staring at photo. Don't forget the. सो गाइस जस्ट अभी मैं वापस आया हूँ घर से। अभी मैं आपको बाहर मिला था, मैंने बाहर खाना खाया, जस्ट अभी आया हूँ। और ये हमारी मम्मा प्रिया आंटी जी आपकी घर पे आ चुकी हैं फुल शॉपिंग करने के बाद। ये मैं अभी उन्हीं के सामान पे ही लेटा हुआ हूँ। ये देखो मम्मा सूट लेके आई हैं, और दादी और माँ जी हमारी चली गई हैं अपने मायके। तो गाइस आप नहीं मिल पाए इस व्लॉग में भी, आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, हम अगले व्लॉग में मिलवा देंगे। कल वो यहीं आएंगी, कल मैं आपको मिलवा दूंगा। फिलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो रही है। देन आई विल टॉक टू यू। क्या क्या दिखाना है आपको? दिखाओ, खुद दिखाओ आप। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं एथनिक में एकदम से कैसे आ गया, अभी तक तो मैं घर के कपड़ों में था। तो गाइस क्या हुआ, मैं बाहर अभी जब मैंने आपको दिखाया था कि मैं बाहर खा के आया हूँ, फिर मैंने मम्मी से मिलवाया आपको, आपकी प्रिया आंटी जी ने आपको उनके सूट दिखाए, उसके बाद फिर मैं अभी रील फिल्म कर रहा था अपने इंस्टाग्राम के लिए। इफ यू ऑल वॉन्ट टू सी कि क्या रील्स मैंने बनाई और कैसे मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ, तो आई विल मेंशन बोथ ऑफ माई अकाउंट्स, वन इज फॉर यूट्यूब एंड वन इज ऑफ माई मॉडलिंग प्रोफेशन अकाउंट। सो दोनों अकाउंट में यहाँ नीचे डाल दूंगा, डू फॉलो देम फॉर गेटिंग ऑल माई अपडेट्स ऑन टाइम। सो मैंने सोचा कि अभी मैं इतना रेडी हो रखा हूँ, फुल सेटअप हो रखा है, अच्छे से लाइट आ रही है, तो क्यों ना मैं आप सबको पूरी अपडेट दे दूं और फिर अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूं। सो गाइज आज मेरी दादी और वो मेरी माँ जी वो आज घर पे, पहले तो वो लोग सामान लेने गए थे कुछ, फिर वहीं से वो लोग अपने मायके चले गए, और फिर वहां से उनका प्लान बन गया हरिद्वार जाने का। तो दे वेंट टू हरिद्वार टुडे। तो उनका मतलब उनसे तो मैं आपको मिला नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जब वो घर आएंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू ऑल मीट विद देम। बट फिलहाल के लिए इस व्लॉग की एंड यही करेंगे, इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड डू सपोर्ट मी। अगर जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो आई डेफिनेटली डू अ चैलेंज फॉर यू ऑल। तब तक के लिए बाय बाय।